नमस्कार, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। गठबंधन करना चाहते थे, जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहाँ तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद भी हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था, उसको हम दोहराते रहे। उसके बाद आपने देखा परिणाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमारे जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े थे बद्री पूर्वे जी, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन में साथी रहने वाले लोग और उनके पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना कहाँ तक सही है। उसके बाद भी हमने चुप रहा। सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव की बारी आया और पहले से बात हो चुका था कि सब पार्टी एक एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि ये एनडीए का सिटिंग सीट था, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से जीत हासिल करेंगे। और सब आदमी अपने अपने अनुकूल तैयारी कर रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है, अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सन ऑफ मल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहाँ पे चुनाव लड़े और अकेले एक साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से, वहाँ पे एनडीए का बुरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। वहीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारे चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इनको समय आने पे हम इनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लैंकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सनत मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा तब ने हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया। और मैंने सोचा कि मैं अपने उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था, और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी, उस समय में लोकसभा में एक सीट पे गठबंधन कर लेते हैं, वो सांसद बन जाते हैं तो उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसको समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है। उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बैकआउट किया कि हम किसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबीयत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा, हम तेज प्रताप जी से मिले, उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा वो कैसे आगे लाएंगे। आज वो देख रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा का उभरते हुए सितारा सनत मल्ला है,
कल अगर ये अपने पैर को जमा लेंगे तो हमें आने वाले समय में राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने साथ रख के दो दिन पहले, कल से दो दिन पहले जब मैं फिर 10 नंबर में गया था, बहुत सारे बातें हुआ, उन्होंने खुद बोला कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो हमने बोला कि कहीं से लड़ लेंगे। उसके बाद जब गिनती हो रहा था कि 65 सीट कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है, तो हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है, पिछली बार तो आप 100 सीट में लड़े थे। जब ये सारे बातें दो दिन पूर्व में ही उनके आवास पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जी ने दलित का बेटा, सिर्फ एक छोटा सा डिमांड रखा था कोऑर्डिनेशन कमेटी कि जो भी बात हो सबके बीच में बात हो, उनके मन में पहले से ही था कि हमें लोगों को चीटिंग करना है और 1-to-1 बात करना है, तो वहां पे 1-to-1 बात करेंगे तो निश्चित तौर पे कभी भी किसी को झुठला देंगे। तो जीतन राम मांझी को बात नहीं मान के किस तरीके से उसको बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मिनिस्टर थे, एनडीए के साथ थे, उनके साथ संबंध करके 5 लोकसभा देने के बाद उनको अपने घर में लाने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया, आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था। आज कहीं ना कहीं आपने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर में मेरे पास जो ताकत था उसको लेके वो समझ रहा था कि इनको लास्ट मोमेंट पे अपने कंडीशन पे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास 144 सीट में हम वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करेंगे, मतलब क्लियर था कि आप हमें सीट देना चाहते। जब दो दिन पहले जो गठबंधन में साथी आए माले या सीपीआई सीपीएम उनको आप नंबर दे देते हैं, जब कांग्रेस आपने देखा कि कांग्रेस से लास्ट मोमेंट पे 70 सीट उनसे बात वादा करने के बाद 58 सीट की बात करने लगा, जब ऐसे नेशनल पार्टी के साथ चीटिंग करने के लिए वो और मन बना सकता है तो हमारे जैसे छोटे पार्टी पिछड़ा के बेटा के साथ क्यों नहीं बना सकता है। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लेने का कोशिश किया तब उनके सामने में झुका, उनको मालूम है कि मुकेश सहनी अगर एक्शन लेता है तो इसका परिणाम, इसका फल मुझे बेनिफिट में नजर आएगा, तो वो उनके सामने से झुका। आपको मैं बता दूं 2019 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन टूट चुका था, 11 सीट से 9 सीट हो चुका था और गठबंधन कहीं ना कहीं टूट चुका था। मैं वहां पे दिल्ली में रहकर मैंने दोनों तरफ बीच बचाव करके मैंने गठबंधन बरकरार रखने का काम किया था 2019 में। आप उपेंद्र कुशवाहा जी से बात कर सकते हैं या शक्ति सिंह गोयल से बात कर सकते हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा अहम रोल था। अभी भी जब आपस में लड़ाई हो रहा था तो तेजस्वी यादव प्रसाद जी हमको फोन करके कहते हैं कि आप कांग्रेस को टाइट कीजिए, हमारे प्रवक्ता भी आपने देखा होगा कि थोड़ा नसीहत दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो तो कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से बुलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने नहीं बोला, हम आनंद फानन में दिल्ली भाग के गए। उससे पहले हम गए थे, हमने अहमद पटेल साहब से मिला, उनको सारी बात हमने रखा था, उसके बाद दो दिन के बाद फिर से हम दिल्ली जाते हैं और फिर से हम गोयल जी से मिलकर उनको हम बताते हैं कि अगर 2-4 सीट की बात है तो हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन मत तोड़िए क्योंकि हम लोगों का आगे बढ़ना है, 2024 में भी आप लोगों की राजनीति करना है, आगे बढ़ना है। आपने देखा कि हमने जब एयरपोर्ट पे आया था मैंने खुले शब्दों से कहा था कि अगर किसी गठबंधन के साथी को अगर 2-4 सीट चाहिए हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ा जाए, हमेशा हम गठबंधन के पक्ष में हमेशा खड़ा रहे, और जब कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग चीटिंग कर सकता है तो भला हमसे क्यों नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों कल मैं जब 12:30 बजे बंगला पे पहुंचा, बैठे बहुत तरह का बातें हुआ लेकिन इस चीज पे बात नहीं हुआ। जब हम आने लगे तो 4 बजे हमें बैठ के बात होता है कि आपका जो नंबर है वो हम कल घोषणा करेंगे, मतलब भैया जब सबका नंबर घोषणा कर रहा है, जब बात हो चुका है 25 सीट और डिप्टी सीएम, तो घोषणा करने में आपत्ति किस बात का, नहीं एक कुछ समस्या है, 1-2 सीट का एडजस्टमेंट है, कल कर लेंगे। तो मतलब ठीक है चलो कल की बात है तो एक रोज संभाल लेंगे, फिर मतलब डिप्टी सीएम घोषणा कर दीजिए, तो उन्होंने भी बोला कि दोनों एक साथ में कर लेंगे, तो मेरे मन में शंका वहीं पर उत्पन्न हो गया, लेकिन मैंने उनके साथ आने का निर्णय लिया कि नहीं चलते हैं, कल देख लेंगे, एक रोज के बाद हो जाएगा कर लेंगे। जब यहाँ पे बैठने के बाद जब उन्होंने संबोधित में सारी चीज बात रखा और फिर उन्होंने 2-3 दिन का समय ले लिया, तो मुझे लग गया कि वो निश्चित तौर पे सारे रास्ता बंद करके और बाद में हमें बाहर निकालना चाहता है या अपने कंडीशन पे राजनीति करवाना चाहता है। तो हमने तभी हमने निर्णय लिया क्योंकि मैंने संघर्ष करना सीखा है, आगे भी संघर्ष करते रहूंगा, और बिहार में अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तमाम हर जाति वर्ग के लोग
के लिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया, संघर्ष करके पाया। मेरे पिताजी का विरासत में मुझे ये राजनीति नहीं मिला। मैंने मेरे खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं राजनीति में आया हूँ और मैंने जन के मैं आज बिहार में राजनीति कर रहा हूँ और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। आप सबको अगर पता होगा कि 2015 से मैं बिहार के राजनीति में हमेशा किंग मेकर बन के मैंने लोगों के लिए काम किया। मैं जब चाहता अपने लिए राजनीति पावर और शक्ति हम प्राप्त करके आज मैं अलग जिंदगी जीता। मैं अगर मुझे अपने लिए जिंदगी जीना रहता तो मुंबई का ऐशो आराम जिंदगी छोड़कर मैं बिहार क्यों आता। मैंने अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार आया क्योंकि मुझे तकलीफ है कि हमारे लोग जो है खासकर पिछड़ा समाज के लोग वो काफी तकलीफ में गुजर रहा है और बिहार में एक विजन वाला व्यक्ति चाहिए जो आगे बढ़ सके। आज हमने 1 रुपया से 100 रुपया कैसे बनाया जाता है वो मैंने मुंबई में सीखा है। बिहार में भी मैंने सोचा कि बिहार के लिए मैं तमाम युवा साथी के लिए हर किसी हर जाति धर्म के लिए मैं काम करूं और कहीं ना कहीं साथी लोगों ने पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है और आपने देखा कि कल किस तरीके से उन्होंने 3 दिन का समय लिया और फिर हमने वहां से ये करने का कोशिश किया और अलग अलग तरह तरह से बातें कर रहा है कि प्लानिंग अगर ऐसी रहता तो हम आपके साथ क्यों। भाई तो आपको मुंह पे सेलो टेप तो नहीं चिपका दिया था नंबर बोलने से, आपने नंबर को छुपाया, आपने डिप्टी सीएम को छुपाया। जो 4 दिन पहले गठबंधन में आया आप उनको 4 दे रहे हैं या 8 दे रहे हैं या 19 दे रहे हैं आप उनके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वीआईपी के लिए क्यों नहीं बात कर रहे। आपको वो नंबर को डिक्लेयर करने में क्या समस्या था? कहीं ना कहीं आपके मन में शंका था कि हमें इनको लास्ट मोमेंट पे इनके साथ हमें चीटिंग करना है। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं हो सकता है वो बिहार का युवा को क्या हो सकता है। कल जिसने कल एक लाइन उन्होंने कहा कि मैं ठेठ बिहारी हूं, मैं जो कहता हूं वो करूंगा और मेरा डीएनए भी बहुत साफ सुथरा है। आप बताइए इसमें कहीं पे डीएनए झलक रहा है कि कितना साफ सुथरा है? दूसरे से डीएनए का हिसाब तो ले रहे हैं लेकिन अपना क्या? जब आप अपने भाई को नहीं हो सकते तो दूसरे का क्या होंगे? इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।